वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं बीच के ऊपर वॉकिंग के लिए निकला हूं, जो कि मेरा पसंदीदा काम है। गोवा में अक्सर मैं यहां पे 8-10 किलोमीटर ऐसे ही बीचेस के ऊपर एक कोने से दूसरे कोने तक चलते रहता हूँ। तो आज कुछ खास प्लान नहीं किया है, लेकिन एक नया कैफ़े यहाँ खुला है आरंबोल पे, जिसका नाम है गार्डन ऑफ ड्रीम्स। तो ये सोच रहा हूँ कि आज की जो दोपहर है वो पूरी मैं वहाँ पे स्पेंड करूँ और शाम को सनसेट के टाइम पे फिर से बीचेस पे आ जाऊँ। मैं गार्डन ऑफ ड्रीम जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक जगह इन्होंने बनाई है, जो कि मॉर्निंग को मेरे ख्याल से जो मैंने स्टडी किया है 6 o'clock को वो ओपन हो जाती है और शाम को 5-5:30 तक वो स्टार्ट रहती है, बाद में बंद हो जाती है। तो अब हम आपको वही लेके चलूँगा और इस पूरी जगह से आपको रूबरू कराऊँगा और डेफिनेटली बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये जगह बहुत 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 अच्छी लगने वाली है और आप भी मेरे साथ बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आरंबोल बीच में एक घंटे की वॉक मैंने कर दी है। आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको गार्डन ऑफ ड्रीम्स में लेके जाऊंगा, लेकिन वॉक करने की यहाँ इस वक्त इतनी मज़ा आ रही है। पानी की जो लहरें एकदम साइड में जो आ रही है किनारे पे, उस पर चलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वह करीब ऐसे ही एक घंटे की मैंने ये वॉक की है। बहुत ही खूबसूरत सा अनुभव रहता है सुबह सुबह इस तरीके से अपने घर से निकल पड़ना और समुद्र की लहरों के बीच में जो है एक खूबसूरत सी वॉक करना, दिमाग को पूरा शांत कर देना, पूरा ज़ीरो कर देना, विचारहीन हो जाना और बस इस पल को पूरी तरीके से जी लेना। देखिए मैं आपको मेरे ठीक सामने का व्यू दिखाता हूँ, मैं कहाँ पे इस वक्त चल रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, देखिए। वॉक करते करते अभी जस्ट ध्यान में आया कि मैं अपने मोबाइल का चार्जर जो है भूल गया हूँ। हालांकि पावर बैंक है मेरे पास में, लेकिन उससे भी चार्ज करने के लिए वायर तो चाहिए। तो गार्डन ऑफ ड्रीम जाने का जो रास्ता है वो लव टेंपल जो होटल है जहाँ पे मैंने स्टे किया, वहाँ से होके ही वो रास्ता जाता है। तो फिर से एक बार मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, चार्जर को साथ में ले रहा हूँ और फिर वहीं से गार्डन ऑफ ड्रीम्स के लिए निकलूँगा। रास्ता भी कैसे है मैं आपको दिखाऊँगा, किस तरीके से आप भी वहाँ पर आओगे तो कैसे आप वहाँ पर पहुँचोगे ये रास्ता भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल चलता हूँ होटल पर। तो ये रहा मेरा चार्जर, इसे मैं अब निकाल के बैग में रख रहा हूँ। ये जो ठीक मेरे सामने देख रहे हो ये लव टेंपल प्रॉपर्टी का बैक साइड गेट है और यहाँ से होते हुए ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो हमें सीधा ले जाएगा गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। जैसा कि इस वक्त गूगल मैप में मुझे दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट एंड देन राइट। तो करीब 6 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, आप भी अगर देख सको तो। तो अब चलते हैं यहाँ से। अब जो हम चलते चलते मेन रोड पे आ चुके हैं और मेन रोड पे आके यहाँ पे लेफ्ट साइड लिया है जो रास्ता जो मेरे पीछे की तरफ है, उसी रास्ते पे स्ट्रेट चल के जो है हम जाएंगे। तो मेरे ठीक सामने हैं, आपको एक लैंडमार्क दे देता हूँ, अर्कन बार करके एक प्रॉपर्टी है, रेस्टोरेंट है, जहाँ से चल के हम सीधे स्ट्रेट जाएंगे। अभी भी करीब करीब यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। पूरे रास्ते में जो है छोटे छोटे बंगलोज थे और मुझे गोवा के छोटे छोटे जो बंगलो विला होते हैं घर होते बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही मल्टी कलर के होते हैं, येलो ब्लू वो कॉम्बिनेशन में, वो कॉम्बिनेशन देख के ही मेरा दिल खुश हो जाता है। और अब जो है जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ ये रास्ता सीधा जो है मुझे वहाँ पर ले जाएगा गार्डन ऑफ ड्रीम्स।
फेस विद गार्डन ऑफ ड्रीम में मैं आ चुका हूँ, बैठा हूँ मैं यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है, इतना ब्यूटीफुल है कि आपका मन नहीं करेगा कि यहाँ से मैं उठूँ। और हकीकत में कहूँ अगर ज़्यादा देर तक बैठे रहोगे तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहोगे और खाते पीते रहोगे। तो फिलहाल जो है मैंने यहाँ पे जो है एक जूस का ऑर्डर दिया है, ऑरेंज जूस का, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा है गोवा में। और एक ऑर्डर जो यहाँ मुझे वेटर ने सजेस्ट किया है, दैट इज़ सैंडविच है कोई, तो भी आई फॉरगॉट द नेम। तो सैंडविच जो मैंने ऑर्डर किया उसका नाम है पेस्ट्रो मोज़रेला एंड टमाटो। तो ट्राई करके आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ सबसे बेस्ट है और आप क्या ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है साउंड हीलिंग की कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कुछ प्रैक्टिस होने वाली है और एक म्यूज़िकल छोटा सा म्यूज़िकल इवेंट भी होने वाला है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के साउंड इंस्ट्रूमेंट्स को ये लोग जो है बजाने वाला है। मैं कैमरा रोटेट करके बता दूँ कि इस वक्त का यहाँ पे सीन क्या है, आप भी इंजॉय करेंगे देख के। देखिए दोस्तों, गार्डन ऑफ ड्रीम वॉज अ माइंड ब्लोइंग प्लेस। आज हकीकत में वहाँ पे 4 से 5 घंटे मैंने वहाँ बैठा हूँ और साउंड हीलिंग को एंजॉय किया है, वहाँ पे म्यूजिक को एंजॉय किया है। वहाँ काफ़ी सारे लोग अलग अलग दुनिया भर से, देश भर से कई लोग मिले जिनसे दोस्ती की है, बातें की है, उनकी जर्नी, उनकी लाइफस्टाइल सब कुछ जानी है, शेयर की है। तो ये जान के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और कुछ फ्रेंड्स भी मैंने बनाए इस बार गोवा में, उसमें से एक फ्रेंड है जो आदित्य है, जो कि गैंगटॉक से है। बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही सीधा सरल सा बंदा है और इसीलिए मेरा फ्रेंड बना है। तो आपको भी मिलाता हूँ मैं आदित्य से। आदित्य इस वक्त मेरे साथ में है। आदित्य भी मेरी तरह गोवा का बहुत शौकीन है और पिछले कई सालों से एवरी ईयर वो अरम्बोल पे ही स्टे करता है और यहीं पे आके 15-20 दिन का एक ब्रेक लेता है यहाँ पे। और आदित्य की दूसरी खासियत ये है, हम दोनों के बीच में जो कॉमन है वो ये है कि हम दोनों ही ओशो लवर है और इसे तो ओशो का कलर भी पहना है इस वक्त ये ओशो का ही कलर है। तो आदित्य अपने बारे में कुछ बताओ यार कि गैंगटॉक में ओशो से कनेक्शन और फिर ओशो के साथ की जर्नी और आरम्बोल से क्या कनेक्शन है, सब कुछ जानना चाहूँगा मैं। गैंगटॉक में तो मैं ओशो का अभी छोटा सा सेंटर जैसा है मेडिटेशन, मेरा घर को ओशो चैतन्य मेडिटेशन सेंटर के नाम से भी सिक्किम में जाना जाता है। ओशो जो ओशो का सर्कल है सब जानते हैं। ओके, आई एम अ बिग ओशो लवर, नॉट ओनली लवर, आई एम ओशो सन्यासी टू। एंड आरम्बोल में कितने साल हो गए सन्यास लेके? सन्यास लेते हुए तो मैं अभी क्या बोलूं, हो गया एज मालूम पड़ जाएगी इसके लिए नहीं बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं, मैं अभी हुआ कि 10 साल 12 15 साल 20 साल हो गया। दिस इज नंबर Yes, it's been like 1997 I took sannyas actually. Okay, 1997 में sannyas लिया। ओशो का sannyas लिया। और yeah, and I travel since 3-4 years I'm traveling frequently and this Arambol one of the most happening places. क्यों Arambol ही? Why Arambol? Because I have a like a spiritual, I get the vibe what I want, spiritual जो है ना ओशो का connection, मेरे को love temple in and around ही मिलता है, जितना भी मेरे को होता है meditation का workshop होता है, I love being around my kind of people, crazy, we say crazy or what say.
स्पिरिचुअल क्रेजी एंड फिर वहाँ का खाना भी वेजिटेरियन है, सात्विक खाना अच्छा लगा वेजिटेरियन, दैट्स गुड, यू आर आल्सो वेजिटेरियन, आई एम आल्सो वेजिटेरियन। दोस्तों फिर से एक बार कहूंगा कि पूरे आरंबोल के ऊपर एक ही होटल है, एक ही रिसोर्ट है या एक ही प्रॉपर्टी जहाँ पे प्योर वेज फूड मिलता है एंड दैट इज लव टेम्पल। और उसके बाद में उसी के ठीक पास में था जहाँ के गार्डन ऑफ लव में जहाँ पे हम आज गए थे, गार्डन ऑफ ड्रीम्स। तो गार्डन ऑफ ड्रीम्स अभी आप जाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। 4-5 घंटे कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब जो है शाम के बज चुके हैं करीब करीब 5:44। तो अब हम आ चुके हैं सनसेट देखने के लिए, फिर से वही हमारी फेवरेट प्लेस स्वीट लेक के ऊपर। यहाँ बैठेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, सनसेट को देखेंगे और फिर वापस अपने रूम में जाके आगे का प्लान करेंगे। तो इस वक्त जो मेरे ठीक सामने का नज़ारा है वो भी बहुत खूबसूरत है, तो हर बार की तरह इस बार भी आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ। गाइस इस वक्त मैं जो गोवा में हूँ गोइम के आसपास आया हूँ। गोइम करके बहुत अच्छी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, मैं भी ऐसा मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया है। मैं भी हूँ। तो मेरे साथ आदित्य है, मेरे साथ में जॉर्जी है और मेरे साथ में एमी भी है। तो हम सब लोग जो यहाँ पे आज रात को यहाँ पार्टी करने वाले हैं, बिकॉज 11 बजे के बाद में पूरा गोवा बंद हो जाता है। बट फ्यू ऑफ माई रशियन फ्रेंड्स टोल्ड मी कि यहाँ पे गोइम करके जगह जहाँ पे दे आर गोइंग टू परफॉर्म, तो हम लोग इस परफॉर्मेंस को भी देखने वाले और साथ में पार्टी भी करने वाले दोस्तों। तो कैमरा रोटेट करता हूँ हर बार की तरह, आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ। देखिए music. I'm not burning here in a demon in the